Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of neoplasia, that is etiological agents of carcinogenesis. देखिए हम लोगों ने carcinogenesis की etiology अभी पढ़ी थी. अब etiology जब मैंने आपको पढ़ाई तो मैंने उसके agents आपको बताए थे कि भाई physical, chemical और biological agents होते हैं, ऐसा मैंने अपनी last class में बताया था. आज की class के अंदर हम ये जो तीन etiological agents मैंने आपको बताए थे, हालांकि previous class में मैंने बता दिया, उनको अपन थोड़ा सा और detail में आज देख लेते हैं. तो देखिए physical agents तो जो मैंने आपको बताया था कि thermal वगैरह होते हैं, उसके अलावा main होते हैं chemical और biological agents. Chemical agents को अपन chemical carcinogens कहते हैं और उससे होने वाली mechanism को, cancer के mechanism को chemical carcinogenesis कहते हैं. इसमें एक तो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस आते हैं जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं, उनके अंदर अपन एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फामाइड. एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन सा? साइक्लोफॉस्फामाइड नाम का एल्काइलेटिंग एजेंट जो होता है वो डायरेक्टली एक्ट करने वाला कार्सिनोजन होता है. अगर आप साइक्लोफॉस्फामाइड कंपैरिजन में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं सॉरी, तो वो कैंसर कॉजिंग होता है, इसलिए उससे आपको दूर रहना चाहिए. इसके अलावा प्रोकार्सिनोजेंस, प्रोकार्सिनोजेंस वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो ऐसे तो खुद से कैंसर कॉज नहीं करते तब तक जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं. एक्टिवेशन की इनको ज़रूरत होती है, एक्टिवेट होने के बाद ये कैंसर कॉज करते हैं. इनमें चार कंपाउंड्स आते हैं, जैसे पहले पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल बेंजपायरिन. बेंजपायरिन एक ऐसा पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन है जो एक्टिवेट होकर के कैंसर कॉज कर देता है. इसके अलावा एरोमेटिक अमीन्स, डाइज वगैरह जैसे बेंजिडिन. नेचुरल प्रोडक्ट्स में एफ्लोटॉक्सिन, और इसके अलावा विनाइल क्लोराइड, टर्पेंटाइन वगैरह, ये ऐसे केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि एक्टिवेट होकर के कैंसर कॉज कर सकते हैं. अब ये यहाँ पर इन प्रो कार्सिनोजन का मैकेनिज्म बताया हुआ है कि प्रो कार्सिनोजन स्टेबल एजेंट्स होते हैं. ये दो इनका एक्शन होता है, या तो ये अल्टीमेट कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, डीएनए पर बाइंड होंगे भाई, एक्टिवेट होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन इसका चलेगा. प्रोकार्सिनोजन का क्या चलेगा? मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होने से ये अल्टीमेट कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये डीएनए से बाइंड होकर के म्यूटेशन करवा देंगे उस डीएनए के अंदर, जिससे कि नॉर्मल सेल जो है वो मैलिग्नेंट सेल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी. या फिर प्रोकार्सिनोजन का डिटॉक्सिफिकेशन अगर हो जाता है तो ये ऐसे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो सकता है. तो ये दो तरह के मैकेनिज्म है. अगर ये एक्टिवेट हो गया तब तो कार्सिनोजन बन जाएगा और म्यूटेशन करवा देगा डीएनए में, जिससे कि कैंसर कॉज होगा. और अगर ये डिटॉक्सिफाई हो गया तो ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. तो ये प्रोकार्सिनोजन का मैकेनिज्म है. अब ये यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताया हुआ है कि कार्सिनोजन जो हमने बोला कि भाई डिटॉक्सिफाई हो गया तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और अगर इसका मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो गया तो इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट भी डिटॉक्सिफाई होकर के एक्सक्रीट आउट हो सकता है, या फिर ये डीएनए से बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, एडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है. डीएनए रिपेयर अगर हो गया, भाई डीएनए से बाइंड होकर के इसने पहले तो उसमें चेंज करवाया था, और अगर हमारी बॉडी मैकेनिज्म उस डैमेज डीएनए को, उस म्यूटेटेड डीएनए को रिपेयर कर लेती तब तो वो वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी वो सेल. या फिर हो सकता है भाई सेल डेथ हो जाए, या हो सकता है डीएनए में परमानेंट लेजन बन जाए जिससे कि सेल इनिशिएट हो जाती है. किस चीज़ के लिए? डिवीज़न के लिए. सेल में इनिशिएशन होएगा और सेल प्रोलिफरेशन करने लग जाएगी, और उसमें डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा, सेल डिफरेंशिएट भी नहीं हो सकती. हमने बोला था ना कि नियोप्लेसिया की ये पहचान होती है कि पुअर डिफरेंशिएशन, इल डिफरेंशिएशन उसके अंदर पाया जाता है. तो डिफरेंशिएशन ऑल्टर्ड हो जाएगा,
फिर उसे प्री नियोप्लास्टिक क्लोन बनेगा, ये क्लोन और ज़्यादा प्रोलिफरेट होगा, इसमें और ज़्यादा म्यूटेशन होगा और फाइनली ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म में। तो ये डीएनए में लेजन बनने तक और सेल के इनिशिएशन होने तक तो हम इस प्रोसेस को इनिशिएशन कहते हैं, और जब वो सेल इनिशिएट होकर प्रोलिफरेट करने लग जाती है तो ये प्रमोशन का स्टेप कहलाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, इडियोलॉजिकल एजेंट्स इस तरह से। अब केमिकल एजेंट्स तो हो गए, दूसरे एजेंट्स हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था वायरस आता है, वायरस कैंसर कॉज कर सकते हैं, जो वायरस कैंसर कॉज कर सकते हैं उनको हम ऑन्को वायरस कहते हैं। इसके अंदर HPV और EBV आते हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करता है, और EBV एप्स्टेन बार वायरस, ये बी सेल के लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज कॉज करवाता है, और नेजोफेरेंजियल कैंसर भी कॉज कर देता है। इसके अलावा एक होता है कैपोसी सार्कोमा, ये भी हर्पिस वायरस से होता है, कैपोसी सार्कोमा और प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा। इसके अलावा हिपेटाइटिस बी और सी वायरसेस होते हैं जो कि हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कॉज कर देते हैं। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1, ये टी सेल का, ऑब्वियस है टी सेल का ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर कॉज करता है। तो ये सारे वायरसेस हैं। इसके अलावा कई बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो कौन से बैक्टीरिया से? जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करेगा। बैक्टीरिया के अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन भी जो है वो कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए पाए जाते हैं, जैसे शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये ब्लैडर के स्क्वैमस सेल का कैंसर कॉज कर देता है, ये एक पैरासाइट है। इसके अलावा लिवर फ्लूक, ओपिस्थोर्किस वाइवरिनी और क्लोनोर्किस साइनेंसिस, ये कॉलेंजियोकार्सिनोमा जो है ये इन पैरासाइट से देखने को, इस लास्ट जो पैरासाइट का हमने नाम लिया, इस पैरासाइट से देखने को मिल रहा होता है। तो वायरस के अलावा बैक्टीरिया पैरासाइट भी कैंसर को कॉज करते हैं। अब तीसरा एजेंट है फिजिकल एजेंट, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो रेडिएशंस होती हैं, और मैंने आपको बताया रेडिएशन दो तरह की होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो देखिए, जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो चाहे यूवी रेज हो सनलाइट की, या फिर आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो, या पार्टिकुलेट रेडिएशंस हो, ये क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती हैं सभी सेल्स को इन विट्रो, ट्रांसफॉर्म्स कर देती हैं और नियोप्लाज्म को इंड्यूस करती है। इसके अलावा जो यूवी लाइट है ये तो क्लियरली स्किन कैंसर कॉज करती है, बात सबको पता है, इसलिए यूवी लाइट की जो कांटेक्ट में कभी भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये स्किन कैंसर कॉज करवाती है। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कोई मेडिकल या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर किसी का हो रहा हो, जैसे भाई आप एक्सरे, अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट में फ्री में होता है, कभी भी थोड़ा सा दर्द हुआ जाके एक्सरे करवा करके आ गया, अरे भाई नहीं, ऐसा थोड़ी ना कोई एक्सरे करवाया जा रहा होता है, क्योंकि ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ये कैंसर कॉज करेंगी। तो मेडिकल या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर किसी का हो रहा हो, चाहे न्यूक्लियर प्लांट से किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, भाई न्यूक्लियर प्लांट के आप कॉन्टैक्ट में आए हो, या एटॉमिक बॉम्ब के डिटोनेशन की वजह से हो सकता है कि कई अलग अलग तरह के मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म देखने को मिले थे, पाए गए थे। तो रेडिएशंस जो है वो कार्सिनोजेनिक नेचर की होती हैं। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन के सोर्स में तो मेडिकल इमेजिंग के लिए या रेडॉन गैस के लिए, ये रेडॉन गैस जैसी चीज़ें जो है वो कॉज करवा देती हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कौन सी आते हैं? यूवी। तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में दो तरह की मैंने कहा रेडिएशंस होती है। आयोनाइजिंग में तो ये जो अपन मेडिकल में काम में ले रहे होते हैं, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज वगैरह आती है, और ये ल्यूकेमिया कॉज करती है, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर। पर ये जो चेंजेस है वो ऐसा नहीं है कि आप एक या दो बार कांटेक्ट में आ रहा आपको हो गया, नहीं, अगर आप रेगुलर कांटेक्ट में आ रहे तो 2 से 10 सालों के बाद जो है ये सिम्टम देखने को मिलता है। कुछ पीपल्स के अंदर तो नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम देखने को मिलता है, रेटिनोब्लास्टोमा,
कॉज हो जाता है, ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कैंसर डेवलप करने के लिए, अगर कोई रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहा है तो उसमें कैंसर कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके रेटिना के अंदर, उसके बेसल सेल के अंदर। तो ये सारे जो हैं वो इटियोलॉजिकल एजेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे क्लास में हम और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।